अविश्वास प्रस्ताव पर महाबहस। जी हां, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस जारी है। बहस के बाद सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला है। मणिपुर हिंसा को लेकर जमकर हंगामा और गौरव गोगोई कांग्रेस सांसद भी इस दौरान बोले हैं। साथ ही साथ उनके जवाब में निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद है उन्होंने भी जवाब दिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर मणिपुर हिंसा को लेकर बहस जारी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस के बाद सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला है। मणिपुर हिंसा को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला है और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा जारी है। ये बड़ी जानकारी आप तक जहां पर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है, मणिपुर हिंसा को लेकर भी चर्चा जारी है और इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा भी देखने को मिला है। बहस के बाद सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला है। मणिपुर हिंसा को लेकर जमकर हंगामा इस दौरान देखने को मिला है और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा जारी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा अभी भी जारी है। हालांकि मणिपुर हिंसा को लेकर इस दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच और बहस के बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ है। मणिपुर हिंसा का मुद्दा भी इस दौरान उठाया गया है। हालांकि अभी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। मणिपुर हिंसा को लेकर यह हंगामा देखने को मिला है सदन में और इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर इस वक्त चर्चा जारी है। मंत्रालय से इनको निर्देश तो एक ऐसी व्यवस्था बन गई है मणिपुर में कि मणिपुर के पुलिस आज असम राइफल्स के जवान पर उंगली उठा रहे हैं। असम राइफल्स के जवान आज मणिपुर के पुलिस पर उंगली उठा रही है। ये बना है 21वीं सदी के भारत में। ऐसे हम समाधान कर रहे हैं पिछले 3 महीनों से। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच कमेटी बैठाई उससे साफ साफ साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो काम है उसको स्वीकार नहीं किया है। आज इसीलिए कमेटी बैठाई गई है। मैं पूछना चाहूंगा कि गृह मंत्री, आपने एक 51 मेंबर्स का कमेटी बैठाया, कितने बार वो कमेटी बैठी? आप 3 दिन थे, आप वहां पे गए, 51 आपने एक पीस कमेटी बैठाई, अच्छी बात है, लेकिन वो कमेटी आज तक असफल रही। गृह मंत्री ने कहा कि मैं 15 दिन बाद में आऊंगा, पर गृह मंत्री 15 दिन हो गए हैं पर मणिपुर में दिखाई नहीं दिए। जब एक सस्पेंडेड इंसर्जेंसी ग्रुप UKLF यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट का चेयरमैन SS हाउके लीगल बयान में, एफिडेविट में ये बात कहता है कि भाजपा ने 2017 और 2019 के निर्वाचन में एक उग्रपंथी संगठन का उन्होंने सहयोग लिया, एक लीगल एफिडेविट में ये बात लिखा। राहुल जी गए कब थे? हम लोग भी यहां सारे सांसद बैठे हैं और उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम जो है बजट सेशन में यहां आए थे, मार्च अप्रैल में यहां आए थे ना। राहुल जी थे बजट सेशन में कि नहीं? थे ना। इसके बाद हम लोग मानसून सेशन में आए, राहुल जी हैं कि नहीं मानसून सेशन में? राहुल जी गए कहां थे? कहां गए थे? किस तरह की चर्चा है? और दूसरी बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आए हैं उसने अभी जजमेंट नहीं दिया है, अभी स्टे ऑर्डर दिया है, और तो भी उन्होंने कहा है, लोग कहते प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, प्रधानमंत्री चीजें नहीं बोलते। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, दो चीजें कह रहे हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है, ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे, बड़े आदमी है। और दूसरी बात यह है कि सावरकर नहीं हूं मैं। आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी भी नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है, आप अपनी तुलना सावरकर से करते, कभी सावरकर नहीं हो सकते।
मंत्रालय से इनको निर्देश दिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संसद भवन के बाहर से हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, संसद में आज देखने को मिला कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले मणिपुर मुद्दा काफी गरमाया नजर आया, मणिपुर मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा इस दौरान देखने को मिला, क्या कुछ पूरी जानकारी? संसद की जो 12 बजे स्टार्टिंग हुई 12 बजे ही हो चुकी थी, लेकिन 12 बजे राहुल गांधी को बुला जाना था संसद में, उसको कहने के लिए उनको बुला सकते थे। हालांकि उनकी तरफ से जो वक्ता थे वो गौरव गोगोई की तरफ से बात रखी गई। गौरव गोगोई ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अगर मणिपुर जो हिंसा पे पूरा जो अब अविश्वास का प्रस्ताव था पूरी मणिपुर हिंसा को लेकर बात की गई कि अगर चाहते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पे मणिपुर जा सकते थे, वहां का दौरा कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, उसको लेकर भी निशाना साधा गया। हालांकि उनकी बातों का, क्योंकि जिस समय वहां पर सदन में जो वक्ता जो वक्ताओं का जो दौर चल रहा है, क्योंकि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो एक दूसरे पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रहा है। अगर हम बात करें एनडीए की तो एनडीए की तरफ से पहले बोलने के लिए वहां पर निशिकांत दुबे वहां पर मौजूद थे। निशिकांत दुबे को वहां पे पार्टी की स्टार्टिंग करने दी गई और उन्होंने जवाब दिया, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि मणिपुर हिंसा पे उन्होंने बहुत ज्यादा उस पर, क्योंकि सबसे बड़ी चीज मणिपुर हिंसा की अगर बात की जाए तो उनके जो मामा थे एमपी तिवारी क्योंकि उनके पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए थे। और सबसे बड़ी चीज वहां पे मणिपुर हिंसा को लेकर कई बातें उन्होंने रखी, क्योंकि मणिपुर हिंसा को वो भी देख रहे हैं, क्योंकि उसकी उसको भी निजी की बात कही। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो जो प्रस्ताव देखा गया है वो जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर जो चर्चा है, क्योंकि टोटल उस पर मणिपुर हिंसा पे बात चल रही है। जी विवेक, अगर देखा जाए तो मणिपुर हिंसा के साथ साथ राहुल गांधी के मोदी सरने वाला बयान भी संसद में गूंज उठा, निशिकांत दुबे की तरफ से कई सारे सवाल उठाए गए हैं। विवेक, आपको बता दें कि आज संसद में लगातार कई मुद्दे पर चर्चा देखने को मिली और इस दौरान अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा अभी जारी है। सबसे पहले गौरव गोगोई कांग्रेस सांसद की तरफ से चर्चा की शुरुआत की गई और इसके जवाब में निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं वो जवाब देते नजर आए। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, बहस के दौरान सदन में जमकर हंगामा भी देखने को मिला, मणिपुर हिंसा को लेकर भी इस दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अभी भी चर्चा जारी है और लगातार हंगामे के बीच ये सदन जारी है। मणिपुर हिंसा को लेकर भी इस दौरान बहस देखने को मिली, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस देखने को मिली। बहस के दौरान सदन में जमकर हंगामा भी देखने को मिला, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां अभी भी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लोकसभा संसद में अभी चर्चा जारी है,